वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो सबसे पहले मैं ये बोल दूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पास में जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हो रहा है दोपहर का टाइम, मतलब आपको लगभग बज रहा है 12:30, 1 बज रहा है। तो मैं दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो ब्लॉग दोपहर से लेके गर्मी तो इतना ज़्यादा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी इतना ज़्यादा आज का गर्मी है, मतलब लगता है इस साल का सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ा है। मतलब लू चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि लू चल रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का वेदर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप ऐसे करने से लग रहा है कि आपका शरीर जल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्मी कर रहा है बाहर। और बस मैं रेडी हुई हूँ थोड़ा सा कि ब्लॉग बनाऊँ आराम से और खाना बनाऊंगी। जब मैं खाना बनाने के लिए तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और मेरा पूजा हो गया है, पूजा मैंने कर लिया। मैं पूजा करके ब्रेकफास्ट करके तब उसके बाद ब्लॉग में हाथ लगाई। तो मेरे भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया, भगवान जी यहाँ पे हैं। और मैं ड्रेस पहन के अपना आराम से, पहले तो मैं कुछ पतला हल्का सा पहनी थी पर सोचा कि नहीं ब्लॉग शेयर करना मुझे आप लोगों के साथ, तो मैं इसीलिए फिर ये वाला ड्रेस निकाल कर पहनी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, होगा तो मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी अगर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ गर्मी के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और एकदम से मतलब परेशान है मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी सब। बेटी को मैं दिखाती हूँ, चलिए क्या कर रही है, पूरा बदमाशी कर रही है इधर से उधर। और वो कुछ सुबह में थोड़ा सा कुछ खाई थी, उसको मैं ब्रेड और क्या बोलते हैं उसको पीनट बटर पसंद करती है लगाया हुआ। चलिए पूछते हैं क्या खाएगी, अगर खाएगी तो मैं उसको वही बना दूंगी। चलिए क्या करूँ बेटा, क्या खाओगी? ब्रेड जैम, बटर, पीनट बटर। पीनट बटर कहाँ है? पीनट बटर कहाँ है? पीनट बटर निकालो तो। मैंने उसको पड़ी को पीनट बटर दे दिया, वो खाली है और खाली नहीं है, खा रही है, दी हूँ आप लोगों ने देखा। और दम मतलब ड्रेस चेंज कर दूंगी उसको, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसको भी कुछ देर के लिए पहनाई हूँ क्योंकि कुछ पहनना उसको, वो जो फ्रॉक है आया था मेरे ससुर जी भेजे थे, मेरे ससुराल से आया था बड़ा शौक से। मेरे हस्बैंड दिख गए हल्का सा, सॉरी, वो टी शर्ट नहीं डाले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, वो इधर उधर करते रहते हैं। तो बस फटाफट से मैं खाना बनाऊंगी, खाना क्या बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा ऐसे ही, मेरे मतलब बहुत गर्मी है, यही लगता है मैं ब्लॉग में आज दिन भर बोलने वाली हूँ। सच्ची में बहुत गर्मी है, मैं चोटी भी कर लूँगी। आप लोग सोचिए गर्मी इतना है तो बाल खुला क्यों रखे हो? तो मैं अभी जस्ट पूजा की और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चोटी बना हुआ था इसलिए कर्ल कर्ल दिख रहा है। तो मैं फिर से चोटी कर लूँगी लेकिन मैं फटाफट से पहले चावल चढ़ा लूँ क्योंकि सबको लगा हुआ जम के भूख। और मैं चावल चढ़ाऊंगी और फ्रिज में चिकन है। सो चिकन मेरा आज का नहीं है, चिकन मेरा मैंने कल ही बनाया था तो वो बच गया था चिकन। तो उस चिकन को फिर गर्म करूंगी, फिर चिकन अदरवाइज अगर चिकन बनाना पड़ता था तो आज बनाती नहीं क्योंकि चिकन मेरा इतना गर्मी में हम लोग नहीं कोशिश करते कि कुछ रिच ना खाए, बट उसको खाना पड़ेगा नहीं तो टेस्ट अलग हो जाएगा। तो बस वो चिकन को मैं ला रही हूँ, गर्म करूंगी। आज मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आज मैं चावल चढ़ाऊंगी और आलू बैगन का हल्का सा सब्जी कर दूंगी, मेरे हस्बैंड को पसंद है।
फ्रेंड जो तरबूज काट रहे हैं वो। हस्बैंड बैठे हुए हैं और खाना का वेट कर रहा है सब कोई, तो मैं चावल चढ़ाई हूँ हो जाएगा, और आलू बैंक की जो थोड़ी सी सब्जी मुझे बनानी थी वो चढ़ा दी हूँ। फटाफट से मैं पहले कोम कर लेती हूँ, छोटी क्योंकि बहुत अगर गर्मी है ना तो बर्दाश्त नहीं होने लग रहा है, फटाफट से मतलब कोम कर लूँ, तो फटाफट कोम कर लेती हूँ, मतलब छोटी बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से ब्लॉग करते रहूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मन ही नहीं कर रहा है कि मतलब ऐसे में खुले बाल में रहूँ, छोटी कर लूंगी ना तो आराम लगेगा। तो ये देखिए चिकन मेरा कितना अच्छा दिख रहा है ना, तो ये चिकन मैं बनाई थी कल, ठीक है। तो हम लोग खाए नहीं, हम लोग चले गए थे कुछ काम से, तो वो चिकन पड़ा रह गया, तो उसको मुझे अभी हम लोग को खाना पड़ रहा है। तो ये चिकन है और यहाँ पे चावल बन रहा है, और थोड़ा सा बैगन फ्राई करके रखी हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, वो बोल रहे थे मुझे थोड़ा सा बैगन फ्राई कर दीजिएगा उनके लिए।
ठीक तो लग रही है। हाँ हाँ वहाँ पानी इस तरफ उधर बेसिन की तरफ। कितना एक्सरसाइज करोगी? करो करो करो। कितना एक्सरसाइज करोगे मम्मी? हेलो। तो हम लोग दोपहर का खाना खाने के बाद, मैं आप लोगों को दिख ही नहीं क्योंकि मैं परी को खाना खिलाने लगी, और परी को खाना खिलाने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। और अभी हो रहा है टाइम, मैं आपको दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 6:30, उल्टा दिख रहा है पता है मुझे, 6:30 जैसा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकलेंगे मार्केट। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चलिए पैंटालून जाना है हम लोगों को, पैंटालून से कुछ लेंगे, तो कुछ काम है हम लोग को, तो हम लोग निकलेंगे। तो मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी के हम लोग जाएंगे मार्केट। और मुझे नहीं पता, पड़ी पड़ी 2 मिनट बेटा, तो मुझे नहीं पता कि मार्केट सारे के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी कि क्या मैं क्या शॉपिंग की आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी या नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, मुझे ये नहीं पता। फिलहाल के लिए तो मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने, चलिए जब तक आप लोग मेरे साथ रहिए, चाय बनाऊँगी चाय पीऊँगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट। मार्केट मैं जाऊँगी पैंटालून जाऊँगी, सिर्फ पैंटालून जाना है, कुछ काम है, कुछ खाएँगे पिएंगे तो बात अलग है, वो करके हम लोग घर आ जाएंगे। तो कुछ लेना है, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ दिलाना चाह रहा है, तो बस हम लोग उसी लिए निकलेंगे और आते हैं, तब आऊँगी तब मैं आप लोग से बात करूँगी। फिलहाल मैं चल रही हूँ किचन, आप लोग भी चलिए मेरे साथ किचन। हम लोग को निकल जाना है 7 बजे तक, तो टाइम जैसे मैं आप लोगों को बोले 6:30 हो रहा है। मैं ये उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं हमेशा फ्रंट कैमरा से वीडियोज़ करती रहती हूँ, तो आप लोग को ये उल्टा दिखता रहता है। तो मैं बनाऊँगी चाय, एक मिनट मैं बनाऊँगी चाय, चाय बना के हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। और मार्केट में आप लोग को साथ ही दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी बट दिखाऊंगी सर जरूर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग निकल रहे हैं। और बस एक कूपन है, उस कूपन को लेके जाना है पैंटालून का, हम लोग को ATM टाइप का एक कूपन है, उसी से शॉपिंग करना है, तो बस चलेंगे। ठीक है, ठीक है,